नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश कुमार सैनी। मैं आज आपको समझ रहा हूँ डायल इंडिकेटर किस तरीके से काम करता है। तो डायल इंडिकेटर एक सूक्ष्मव्यापी यंत्र होता है जिसका प्रयोग अधिकतर उत्पादन में जॉब की एक्यूरेसी चेक करने के लिए किया जाता है, जैसे पहिए का रनआउट चेक करने के लिए, सरफेस चेक करने के लिए, फ्लैटनेस चेक करने के लिए, टेपर चेक करने के लिए, थ्रेड चेक करने के लिए, यानी बहुत सारे पार्ट्स की एक्यूरेसी चेक करने के लिए डायल गेज का यूज किया जाता है। ठीक है, इसके ये प्रिंसिपल इसका प्रिंसिपल रेक एंड पिनियन के बेस पर इस यह काम करता है। इसके अंदर रेक और पिनियन के बेस पर यह काम करता है। तो सबसे पहले ये इसके डायल गेज के पार्ट कौन कौन से होते हैं, उनका क्या काम होता है, मैं आपको समझा रहा हूँ। सबसे पहले केस हाउसिंग, ये आपको दिख रहा है, ये पूरा केस हाउसिंग होता है, ये पूरा केस हाउसिंग होता है। इस केस हाउसिंग के ऊपर एक कवर लगा रहता है, पीछे की साइड ये कवर लगा रहता है। कवर के पीछे एक बेजल रहता है, ये पूरा दिख रहा है, इसको पूरा को बेजल बोलते हैं, इसको बेजल लॉकिंग पिन बोलते हैं, लॉकिंग नट बोलते हैं। इसके बाद डस्ट केप रहता है, ये ऊपर जो लिख रहा है, ये इसके ऊपर जो लग रहा है वो डस्ट केप रहता है। डस्ट से क्या रहता है, इस डस्ट को केप करके रखते हैं, यदि थोड़ा वो डस्ट इसके अंदर चलेगा तो ये सही ढंग से वर्क नहीं करेगा। इसके बाद नीडल इंडिकेटर रहता है, इसके अंदर ये दिख रहा है, ये नीडल इंडिकेटर रहता है। दो नीडल इंडिकेटर रख रहते हैं, दोनों रिवर्स और फॉरवर्ड पोजिशन में इनका वर्क करते हैं। ये रिवर्स करता है तो ये फॉरवर्ड करता है। तो जब ये एक जो छोटा वाला जब जीरो से लेके छोटा वाला नाइन जीरो से लेके वन पे आएगा तो ये 1 mm करता है, लेकिन ये 1 mm डिस्टेंस ट्रेवल करने पर ये पूरा एक राउंड लगा देता है। 100 डिवीजन के ये राउंड हुआ था तब ये 1 mm ट्रेवल करता है, यानी सर्कुलर करता है। इसके बाद रेक एंड प्लंजर, तो इसके दो चीज़, इसके पीछे ये रेक लगा रहता है, ये रेक रहता है, ये रेक इधर अंदर है और प्लंजर ये वाला है, रेक और प्लंजर पे काम करता है। ये स्टीम होता है, स्टीम के अंदर ये प्लंजर मूव करता है। इसके बाद कॉन्टैक्ट पॉइंट, इसके नीचे ये कॉन्टैक्ट पॉइंट रहता है। अब सबसे पहले इसकी वर्किंग, वर्किंग बड़े ध्यान से समझिएगा, बहुत दिमाग लगाइएगा, मैं आपको पूरा इसके बारे में पूरी जानकारी देता हूँ। सबसे पहले क्या रहता है, ये एक डायल इंडिकेटर के नीचे जो स्टेम लगा रहता है, ये स्टेम है ना, स्टेम के अंदर ही ये प्लंजर रहता है। प्लंजर क्या करता है, इसका आधे भाग पर ये प्लेन रहता है और आधे भाग पर इसमें रेक बनी रहती है। देखो दिख रहा है ना, ये रेक रहती है, ये रेक बनी रहती है, दिख रहा होगा अभी, ये रेक रहती है। जब हम इसके ऊपर लोड लगाते हैं तो जो रेक रहती है ना, उसका जो टीथ रहता है, उसकी जो पिच रहती है वो 1 mm रहती है। तो ये हमारा जो डायल इंडिकेटर है 0 से लेकर 25 mm तक का मेजर करने के लिए काम लिया जाता है। तो इसके ऊपर 25 यानी 30 जितना भी सारा रेक लग रही थी, उसका जो एक है, जो एक लाइन है वो 1 mm की है। इसी का कांटेक्ट पिनियन से रहता है, दिख रहा होगा आपको पिनियन, ये देखना, ये पिनियन रहा, ये पिनियन रहा, ये पिनियन, ये पिनियन रहता है, जो इसका कांटेक्ट रहता है पिनियन से रहता है। और पिनियन के नीचे वाली शाफ्ट पर एक 100 टीथ वाला गियर लगा होता है, दिख रहा होगा, ये 100 टीथ वाला गियर लगा रहता है। जो पिनियन का कांटेक्ट रहता है वो इससे रहता है, और जो 100 टीथ वाला, 100 टीथ वाला रहता है वो एक और पिनियन लगा रहता है, वो 10 टीथ वाला ये रहता है। तो देखो इस तरीके से आपको दिख रहा होगा जी, ये 100 टीथ वाला है, इसी के पोजीशन पे देख रहा हो, ये पॉइंट दिख रहा है आपको, ये पॉइंट यहाँ पर रख रहा है, ये पॉइंटर दिख रहा होगा, ये पॉइंटर, ये इस तरीके का ये पॉइंटर क्या करता है, इसको ये 10 टीथ वाले पिनियन है, उसने 100 वाले उसको मूव किया, वो मूव किया, मूव करने के बाद वो 10 टीथ वाले उसको मूव कराएगा। मूव कराने के बाद जो नीडल रहेगी वो नीडल इसके अंदर मूव करेगी। तो ये इसी तरह दूसरा रहता है वो 100 टीथ वाला, एक और प्लंजर है, गियर लग रहा है। तो हमारा जो पावर ट्रांसमिशन हो रही है वो कहाँ रही, सबसे पहले रेक से हो रही, रेक से कहाँ जा रही, पिनियन पे जा रही, पिनियन पे ऊपर 100 टीथ वाला एक और गियर लगा रहता है, उस गियर का कॉन्टेक्ट 10 टीथ वाले गियर से लगा रहता है। वो 10 टीथ वाला गियर क्या रहता है, ये नीडल के ऊपर लगा रहता है, जो 10 टीथ वाला जो पिनियन है उसका कॉन्टेक्ट ये इससे रहता है। ठीक है, और एक और 10 टीथ वाला रहता है जो रेक से लगा रहता है, वो वाला ये वाला रहता है। और जब गियर बॉक्स ये 100 टीथ वाले कॉन्टेक्ट पे 10 टीथ वाला एक और लगा रहता है, उससे कॉन्टेक्ट हो जाता है। फिर इसी 10 टीथ वाले कॉन्टेक्ट से एक 100 टीथ वाला गियर एक और लगा रहता है, उसके ऊपर एक हेलिकल स्प्रिंग लगी रहती है। तब हम इसको जब लोड देते हैं तो क्या हो रहा है, देखो इस तरीके से, जब हम इसके ऊपर लोड अप्लाई कर रहा है देखो, तो रेक ने किसको घुमाया, पिनियन को घुमाया,
पिनियन के 10, जब रेक 10 mm ऊपर आती तो पिनियन का भी 10 mm रेवोल्यूशन कंप्लीट हो जाता है। उसी के ऊपर एक बड़ा गियर लेकर लगा रहता है, 100 100 टीथ वाला। जैसे वो 10 10 टीथ मूव करता है तो 100 वाला टीथ भी मूव कर देता है। उसका कॉन्टैक्ट एक छोटे वाले पिनियन से लगा रहता है, ये पिनियन वो उससे कॉन्टैक्ट में आता है तो वो मूव करने नीडल मूव करने लग जाती है। उसी 10 टीथ वाले पिनियन से एक 100 टीथ वाला गियर लगा रहता है, उस गियर के ऊपर एक हेलिकल स्प्रिंग लग रहती है। हेलिकल स्प्रिंग क्या करती है, इसके अंदर जो एनर्जी को स्टोर करके रखती है। जैसे हमने इसको पुश किया, देखो पुश करे तो ये नीडल भी मूव किया, देखो जैसे हमने पुश किया तो छोटा वाला पिनियन है, पिनियन ने इसको मूव कराया। उस पिनियन की वजह से बड़ा वाला 100 टीथ वाला गियर मूव किया, उसकी वजह से 10 टीथ वाला ये वाला भी पिनियन मूव कराया। इस पिनियन के कांटेक्ट में 110 टीथ वाला वो रहता है, उसके ऊपर हेलिकल स्प्रिंग लगी थी। जैसे हम इसको पुश करते हैं, देखो जब पुश किया तो रेक ने किसको घुमाया, 10 टीथ वाले पिनियन को घुमाया। पिनियन के ऊपर 100 टीथ वाला वो भी मूव किया, 100 रेवोल्यूशन लगा। 100 रेवोल्यूशन लगाने के बाद एक छोटा सा टीथ रहता है 10 टीथ वाला, उसने घुमा, उसके ऊपर नीडल लगी रहती है। उसने घूमने के बाद सेकंड वाला 100 टीथ वाला ये भी घुमा, इसने अपने इसके ऊपर हेलिकल स्प्रिंग लग रही थी, वो एनर्जी को स्टोर कर लेती। जैसे हम लोड लगाते तो हेलिकल स्प्रिंग इसके ऊपर अप्लाई होता है, वो स्टोर एनर्जी को स्टोर कर लेती। जैसे हम उसको छोड़ते हैं तो टेंसाइल स्प्रिंग और हेलिकल स्प्रिंग के द्वारा ये अपनी जीरो पोजिशन पर आ जाता है। अब इसकी लिस्ट काउंट क्या होती है, देखो जब हमने इसको मूव किया ये इसकी लिस्ट काउंट कहाँ होती है, देखो इसके जीरो जीरो पे है मानो। अब 1 mm जो बड़ा वाला डायल देख रहा हो, डायल कर लीजिए, जीरो से लेकर वापस जीरो तक आने पर 100 डिवीजनों में भाग गया। जब जब जीरो से लेकर जीरो आने पर 100 100 एक एक राउंड पूरा कर लेता तो 100 डिजिट हो जाती है। उस जो 100 एक राउंड करने पर ये 1 mm रिमूव 1 mm घूमता है। तो आपको देखो लिस्ट काउंट का, लिस्ट काउंट जो 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल रहती है, टोटल डिवीजन और डायल इंडिकेटर। तो जब ये टोटल डिवीजन यानी 100 वाले जब मूव किया तो 1 mm मूव किया, तो जो 100 1/100 = 0.01 इसकी लिस्ट काउंट है। मैंने इसको इस तरीके से समझाया, जब प्लंजर को किया तो रेक ने किसको घुमाया, पिनियन को घुमाया। पिनियन ने किसको घुमाया, 100 टीथ वाले गियर को घुमाया। 100 टीथ वाले गियर से एक छोटा सा पिनियन लगा रहता है 10 टीथ वाले, 10 टीथ वाले पिनियन को घुमाया, वहाँ पर इन बुल्ले का रहता है, नीडल लग रहती है, नीडल पूरा राउंड घुमा घूमती है। उसी समय एक हेलिकल स्प्रिंग वाला 100 टीथ वाला गियर लगा रहता है, वो क्या करता है, उसके अंदर हेलिकल स्प्रिंग रहती है, वो एनर्जी को जैसे लोड अप्लाई किया तो हेलिकल स्प्रिंग ने अपने एनर्जी को स्टोर कर लेता है। जैसे लोड हटाते थे हेलिकल स्प्रिंग अपनी रिटर्न रिटर्न एनर्जी दे देती है और इसको 0.2 पॉइंटर पर वापस कर देती है। इस तरीके से ये वर्किंग होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना। मैं प्रकाश कुमार सैनी, JP University, गुना मध्य प्रदेश। थैंक यू।